champion कौन होता है? चैंपियन वो होता है जो अपनी लिमिट को चैलेंज कर पाए। चैंपियन वो होता है जो आसमान की ऊंचाइयों को चीर कर अपना नाम गर्दिशों में कायम करता है। असली चैंपियन वो होता है जो लहरों को चीर कर किनारे तक पहुंचता है। एक चैंपियन अपने जज्बे को कायम रखकर नामुमकिन को मुमकिन करता है। वो अगर है तो संत है, तू आदि है तो अंत है, तू शक्ति है तू भक्ति है, तू जोग है तू योग है, तू ही शोक संयोग, तू धरा है तू है व्योम, तू ही बसा मेरे रोम रोम, शिवोम 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 शिवोम। जैसी शक्ति और संतुलन आदि योगी महादेव में है, वैसे ही दम और संतुलन मैं ढूंढने निकला हूं। हे महादेव, आपके आशीर्वाद से मेरी कोशिश कामयाब होगी। मैं सुनील शेट्टी, देश के कोने कोने से ऐसे 12 दमदार चैलेंजर्स ढूंढ के लाया हूं, जिनके दम पर मैं एक ऐसी मिसाल पेश करूंगा जिससे पूरा देश इंस्पायर होगा। हम हैं भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर। और यहां से शुरू होगा हमारे 12 चैलेंजर्स का सफर। सिर्फ इंडिया का असली चैंपियन में, लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। ना रुकना होगा, ना थकना होगा, और हारना तो बिल्कुल नहीं। ये दौड़ है उन सपनों की जिसे देखा सभी ने, लेकिन पूरा वही करेंगे जिसमें होगा दम, और वही कहलाएगा India's असली चैंपियन। चैंपियन जो एक आर्मी कमांडोज वाला फीलिंग है, वैसा फीलिंग आ रहा है।
थोड़ा पास आने के बाद मेरी आंखें एकदम से खुल गई। मैं उस आदमी को सामने देख रहा था जिसको मैंने आज तक सिर्फ फिल्म में देखा है। वो नन अदर देन मिस्टर सुनील छेत्री। जब अन्ना को देखा हमने 56 ईयर रोल यार, तो बॉस एक कुछ अलग ही है, नेक्स्ट लेवल है सुनील छेत्री अन्ना। उनको देख के एक अलग ही एनर्जी आ गया, cuz he was like fire। ये तो अपना मोहरा, मतलब उसके बाद लगा कि बस वक्त हमारा है यार, धड़कन तेज हो गई यार, मतलब यहाँ पे हीरा फेरी होने वाली है। Welcome to India's असली champion, इंडिया का पहला एडवेंचर फिटनेस शो में आपका स्वागत है। Guys, hope you know what you're in for. Yes, sir. फिट तो आदमी लक से भी हो सकता है, लेकिन फिट सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से होता है। यहाँ सीधा फंडा है बॉस, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो आगे बढ़ेगा वो हिट होगा, और जो हिट होगा वो होगा इंडियाज असली चैंपियन। हैदम? यस सर। गुड। और एक बात याद रखना, चैंपियंस कभी हारते नहीं, या तो जीतता है या फिर सीखता है। बैंग ऑन, सीखता है। फैंटास्टिक। द चैलेंजर्स, आर यू रेडी? यस सर। आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट? बीच में से गाना प्ले होना शुरू हो गया, तो वी वर लाइक फिटनेस शो हो क्या रहा है। अबे कौन है बे तू? अरे हमको नहीं बैठा है। कौन है तू? हम चौकन्ना। हम चौकन्ना बे। चौकन्ना? कानपुर वाले। बताइए ना, अन्ना इतना बड़ा शो होस्ट कर रहे हैं फिटनेस का, हाँ। और आपको विनर भी चाहिए, हाँ। तो हम खाली टाइम से क्यों ना विनर बन जाए। अच्छा अन्ना, हम यहाँ तक आ गए तो सबसे मिलवाइए और इनसे तो दो तीन बार मिलवाइए। किससे? गुरलीन से। गुरलीन नाम है। लव यू टू। आई लव यू आल्सो। ठीक है। चल 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 फोटो चल। अच्छा आपको बताए एक बात, हमने अन्ना की जान बचाई है। कैसे बे? काली रात थी। रात तो काली है ना? काली होती है। तो रात थी, जंगल से हम गुजर रहे थे, अचानक एक मीठी और एक शेर की धार हम मिक्स सुने। फिर क्या, हम दौड़ के गए, एक लड़की भाग रही थी, शेर उसके पीछे, लड़की आगे, शेर पीछे, आगे पीछे। आगे क्या हुआ बता। फिर हम चेज किए और शेर और लड़की के बीच में पहुंच गए, और इससे पहले शेर लड़की पे झपट्टा मारता, लड़की बचा लिए। तो उसमें मेरी जान कैसे बचाई तूने? वो लड़की आपकी जान थी ना। उस दिन से अन्ना ने मुझे वादा किया है कि मैं जो कहूंगा ये करेंगे। अन्ना एक काम तो कर दो मेरा। हाँ बोलो। सेटिंग। गुरलीन से गाना तो सुना दो ना। गुरलीन प्लीज यार एक गाना सुना दो। गुरलीन सुना दे, ये जाएगा यार। भैया मेरे राखी के बंदे। ना मैं काट लूंगा। तो मैं मारूंगी फिर। चल 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 अभी हो गया। अच्छा गुरलीन लग रहेगा। तुम्हारे चोट खाई है मैंने। ओके भैया बाय। भैया मत बोलो, गोली मारा तो। चलो चला गया चला गया चला गया अभी। सॉरी गाइस, बचपन का दोस्त था तो झेलना पड़ता है। ओके गाइस लेट्स गेट सीरियस। अब हम जाएंगे अपनी पहली चैलेंज की तरफ। आपका पहला चैलेंज है एक तैयारी आपके अगले चैलेंज के लिए, और आपका अगला चैलेंज होगा एक टीम टास्क। और आप लोग जानते ही है कि एक टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है उसका कैप्टन। हम इस टास्क में आपके टीम का कैप्टन चुनेंगे, लड़कियों में से एक और लड़कों में से एक। कैप्टनसी वो वर्ड सुनते ही मैं और फोकस्ड हो गया, क्योंकि अगर ये चैलेंज मैं जीतता हूँ और मैं कैप्टन बनता हूँ तो मैं एक स्ट्रॉन्ग टीम अपने लिए चूज कर सकता हूँ।
So are you guys ready? Yes, sir. Ready to take on the challenge? Yes, sir. Great. अन्ना चैलेंज एक्सप्लेन करते करते लॉग की तरफ चले गए. उन्होंने एक लॉग उठाया. लॉग उठाने के बाद हमारा रिएक्शन वाज कंप्लीटली ब्लैंक. ये कहां से आया, क्या सीन है, कुछ समझा नहीं. आप लोगों को इस लॉग को स्टार्ट पॉइंट से 50 मीटर के दूरी पे जमीन में गड़ा हुआ मिलेगा. सबसे पहले आप लोगों को इस लॉग को रेत से निकालना होगा और फिर उसे उठाकर वाई स्ट्रक्चर तक ले जाना होगा और फिर इसी लॉक की मदद से आपको उस आर्मी नेट पर कूद कर चढ़ना है और फिर उसे पार करके आप पहुंचेंगे मंकी बास तक. इस मंकी बास को आपको क्रॉस करना होगा बिना रेत पर पांव लगाए. इसके अगले पड़ाव पर आपको बॉक्स पर रखा हुआ एक हैमर मिलेगा. उस हैमर से उस बक्से को तोड़ना है और उसके अंदर रखे हुए फ्लैग को निकाल कर आपको इस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ना होगा. जो पहले वहां चढ़ के फ्लैग अपने जेब से निकाल कर फ्लैग को वेव करेगा वो यहाँ का पहला विनर होगा. ओके गाइस, पहले बॉयज जाएंगे. तो गाइस अंदर जाइए और आपके गियर पहन लीजिए और रेडी हो जाइए आप लोग सो दैट यू कैन लुक लाइक अ पार्ट ऑफ इंडियाज असली चैंपियन. पूरा टेक्निक और जोर लगा के करेगा तो आराम से जीत सकते. एक से बढ़कर एक है करने वाले. पहला राउंड है, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन. सो गाइस आर यू रेडी? यस सर. हर हर महादेव. हर हर महादेव. गेट रेडी. Come on, guys. Chaliye. Very good. Puri matti nikalo. मैं चारों तरफ से खोदने लग गया. और जल्दी जल्दी खोदा तो मैंने देख लिया उसको, लॉक का आगे का जो फ्रंट पार्ट होता है मैंने देख लिया. वो बाहर नहीं आया. एक बार तो मैंने मिडिल से पकड़ा और खींचा और इतना अंदर था, खोदने में आधी पावर निकल गई मेरी. तो मैं सच बता रहा हूँ, लोग जो है एक ही जगह से टिक करे जा रहे हैं. बेवकूफ दिमाग तो इस्तेमाल करते, एक जगह से टिक करके तुम कैसे निकाल सकते हो. तो मैंने वहीं पे अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई की. जितनी लंबी वो वुड थी पूरी जगह से मैंने टिक करना स्टार्ट कर दिया. पूरी मट्टी निकालो पहले. वेरी गुड. कम ऑन. ग्रेट 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 ग्रेट. चलो उठाओ कंधे पे. Come on, guys. He's low. That's his neck, he's low. Come on, go. जब मैंने सबसे पहले लॉक उठाया मैं आगे दौड़ते गया. बाकी सबको पीछे देखा ही नहीं क्योंकि मैं पहले आगे बढ़ रहा था. Come on, guys. मैंने देखा कि सुमित जो है मेरे से आगे पहुंच चुका है, नीरज जो है मेरे से आगे पहुंच चुका है. बाइक पे लगा दो. That's it. मैंने कहा भाई अर्जुन ठीक है, बस ये वाला पड़ाव पूरा कर ले, बाकी उसके बाद तो तू राजा ही है. Come on, guys. Great. Come on guys, संजय ने कि अभी भी बाजू में है और मैं भी खोद रहा हूँ, मिल रहा नहीं है. पता नहीं क्या हो रहा है, कितना अंदर घुसा के रखा था वो. और उतने में बाकी के तीन चैलेंजेस ऊपर चढ़ गए थे, वो दो ऑब्स्टिकल खत्म भी कर रहे थे और हम यहाँ पे बस खोदे जा रहे हैं. बहुत बढ़िया. मैंने देखा कि सुमित मेरे आगे था तो उसको देख के और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हुई कि नहीं ये टास्क जीतना ही है ये, क्योंकि कैप्टेंसी इज आल्सो एट स्टेक. आराम से. कम ऑन. गुड. सुपर्ब. जब मैं स्लाइड करके नीचे उतर गया तभी भी मैं अकेला ही आगे दौड़ रहा था, काफी खुश था और मैं एक पम्प्ड अप एनर्जी थी मुझ में. पांव हाथ मत लगाने देना, पांव नीचे नहीं. वेरी गुड. बहुत बढ़िया.
कमान। जैसे मैं नेट ऊपर हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आगे नीरज मंकी बार तक पहुंच चुका है। नीरज वाज स्ट्रगलिंग रियली हार्ड। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन कुराना, कम ऑन। वो मंकी बार को बीच में से पकड़ता हुआ धक 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 कर रहा है। मंकी बार जिगजैग थी तो आपकी प्रॉपर ग्रिप नहीं बन सकती। मैश में मैं बीच में आके रुक गया और मैंने देखा कि सुमित आगे जा चुका है। फिर मैंने ऑलमोस्ट एक 2 या 3 सेकंड ब्रेक लिया, वापस चढ़ा। और मैंने फिर मंकी मैश खत्म किया। आजू बाजू मुझे नीरज और खुराना दिखे। अरे बॉस ये कब आ गए अचानक, मतलब मैं तो आगे लीड कर रहा था। Come on, guys! फाइनली मैंने सुमित की लीड कवर कर ली थी और यही मौका था सुमित और सबको हरा के बाजी मारने का। मैंने एक ही जगह पे हैमर मारा, एक हैमर, दो हैमर, तीसरा हैमर, और फाइनली फ्लैग निकाला। जब मैंने देखा कि अर्जुन ने बॉक्स में से फ्लैग निकाल लिया है तब मैं टेंस हो गया कि जीती हुई बाजी मेरे हाथ से निकल गई। इतनी ज्यादा खुशी हुई कि भाई पहले दिन मैंने फाइनली कर दिया भाई। मैंने उसको इस पर्टिकुलर चैलेंज में अपना कंपटीशन भी नहीं माना। फिर मुझे एक ऐसा रियलिटी चेक आया कि यार आप इंडिया असली चैंपियन में हो एंड इधर जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। सुनो मेरी बात बेटा, रखोगे याद बेटा, स्टाइल स्वैग जुगाड़ एटीट्यूड बेटा, जाओ जहाँ पे लोग सब भूल जाए पुराना, देखो कैसे यार दिल्ली का ये लौंडा अर्जुन खुराना। दिल्ली वालों की तो कुछ बात ही अलग होती है। हर चीज का जुगाड़ है मेरे पास, मेरे दोस्त मुझे प्यार से जुगाड़ी बुलाते हैं, सारे फैन है मेरे। जुगाड़ में पूरी जिंदगी गई लेकिन एक चीज रियलाइज करी कि फिटनेस में कोई जुगाड़ नहीं चलता। फिटनेस में इंटरेस्ट ऐसे आया कि देखता था एक से बढ़कर एक लौंडे बना रहे अच्छी खासी बॉडी, मतलब कुछ भी पहना तो गजब के लगते थे। हमने भी स्टार्ट कर दिया, मेरा था कि अपनी फिटनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाना, तो बस ज्यादा फोकस मेरा कैलिस्थेटिक्स वगैरह की तरफ आ गया। लाइफ से मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस ये है कि जहां से भी निकलूं तो लोग दूर से पहचान जाए और जो खुला जा रहा है। मेरा कंपटीशन ऑब्वियसली उर्मी है और सुपा, क्योंकि दोनों की फिजिक बहुत स्ट्रांग है। मेरे लिए चैलेंज थोड़ा टफ भी है क्योंकि ये जो लकड़ी है थोड़ा हेवी है। तो गर्ल्स गेट रेडी नाउ, हर हर महादेव। Come on, girls. स्वाति थी मेरी लेफ्ट पे, उसने खोदा, उसको उसका लॉक दिख गया। मैं राइट में देख रही हूँ, सुपा का लॉक दिख गया। इतना सही खोदा उसने और मैंने इतना बड़ा गड्ढा खोदा है, तो मेरी लॉक किधर है डालना तो नहीं भूल गए। Come on, that's it. Come on, that's it, Supa.
लॉक 20-25 केजी से ऊपर था, उठाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे। सुबह उठाओ, उठाओ, सेंटर से लोड, सेंटर से लोड। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, आराम से, भागना मत, आराम से। टेक योर टाइम, कम ऑन गर्ल्स, कम ऑन। मुझे जो स्ट्रेस हुआ कि यार ये बंदी निकल गई, इसको आगे निकलने नहीं देना है, मुझे कैसे भी इससे पास निकालना है। कम ऑन स्वाति, स्वाति कम ऑन, कम ऑन स्वाति। नाउ क्लाइंब, क्लाइंब ब्यूटीफुली, आराम से सुपर, कम ऑन, दैट्स इट, ब्रिलियंट गर्ल। मैंने ऊपर 2 मिनट के लिए देखा तो सुपर इतनी फास्ट चली गई। कम ऑन गर्ल, कम ऑन गर्ल, कम ऑन। तब तक मैं देख रही हूँ कि स्वाति आगे बढ़ गई। स्वाति आगे बढ़ने, 2 लड़कियाँ ऑलरेडी चली गई हैं। मेरा क्यों नहीं निकल रहा है? मैं जोर जोर से डिक करने लगी, मुझे लगा अभी आएगा, अभी अगर नहीं आया। यही फोकस था कि मैं अपने काम पूरा माइंड से, दिमाग से, दिल से करूँ, तो मैं किसी को नहीं देखा, मेरा अपना फोकस सही रहा। जब तक मैं देख रही हूँ वो मंकी बार पे पहुंच चुकी थी। She is quick. She was like a gun. Like, thunk, चली गई। Brilliant, यही पेस, आराम से। और स्वाति नेट पे स्ट्रगल कर रही थी थोड़ा। नेट पे चढ़ी 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 चढ़ी, फिर मैंने देखा वहां से ये अर्जुन खुराना मुझे बोल रहा है। स्वाति कूद जा। मैंने पता नहीं क्या हुआ मेरे माइंड में, मैंने उसकी सुनी। मेरे कपड़े फट गए। ऐश्वर्या लाइक उसकी बॉडी आप देखोगे, वो इतनी मोटी है, ऐसा लगता नहीं कि आपको कि वो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकती है। बट वो लड़की मुझसे भी आगे थी। सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग मुझे ये चीज लगी। वो मुझे ज्यादा टफ लगा। उठने के बाद जब मैं हिट कर रहे थे, हाथ में बहुत प्रेशर आया। बॉक्स का जो लेयर था वो भी बहुत मोटा टाइप का था। पांच बार में हिट किया, हिट करने के बाद वो थोड़ा सा टूटा। Fantastic, Supa! You are our first winner, Captain! मेरा नाम सुपा पडवी है। मैं कोलकाता का एक छोटा गांव बसियत में रहती हूँ। मुझे बचपन से रनिंग करना बहुत अच्छा लगता था। उसका टाइमिंग, उसका हार्डर सेट करना बहुत मजा आता था। जब मुझे मेडल लगने लगा, पापा तो और भी खुश हो गए, और भी सपोर्ट करने लगा कि नहीं, लड़की और आगे जा सकती है। मेरा गांव में इतना फैसिलिटी नहीं थे कि मैं ऊपर उठ सकूं। फिर मेरे पापा और गांव का शहर ने गांव से सीधा मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कलकत्ता लेके गया। तो कलकत्ता जाके मुझे सबसे बड़ा कोच डॉक्टर कुंतल रॉय, द्रोणाचार्य अवार्डेड, उनके पास से 3 ओलंपियन उठा, तो उन्हीं के पास मुझे दे दिया। उधर जाके मुझे सिंथेटिक ट्रैक मिला, इंटरनेशनल इक्विपमेंट जो होता है सब कुछ उधर ही मिला।
अभी तो मैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेशनल का मेडल दे दिया, अभी मुझे यही करना है कि मुझे इंडिया के लिए मेडल लाना है। मेरे लिए असली चैंपियन वो होता है जो हर रास्ते को एक रेस ट्रैक की तरह समझे और फिनिश लाइन तक सबसे पहले पहुंचने का इरादा रखे। Guys, girls, congratulations. Sumit, क्या हुआ? सर, लास्ट में मेरा हैमर अटक गया। इसको निकालने में 2-3 सेकंड गए, तब तक खुराना जी तो निकल गए आगे। तो जीता हुआ बाजी सुमित, आज तुम हार गए। कहाँ लीड कर रहे थे और कहाँ तो? कोई नहीं, अभी बहुत सारे टास्क थे। ओके गर्ल्स, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज? मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ, नॉट हैप्पी, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी मुझे। तकनीक, स्टैमिना, एंड्योरेंस पे किसी का ध्यान नहीं था। नेक्स्ट टास्क में अन्ना का ये स्टेटमेंट एटलीस्ट मेरे लिए चेंज हो जाना चाहिए। और अन्ना जैसी पर्सनालिटी जब बोलती है ना कि आई एम नॉट हैप्पी, दिल पे लग जाता है। अच्छा सुबह, कल तक तो आपके नाम को कोई मतलब नहीं था, आज आपका नाम का क्या मतलब हुआ? सुपर गर्ल। सुपर से सुपर गर्ल बन गई, सुपर पावर। तो अगर कोई पूछे आपसे कि आपका नाम का मतलब क्या है, जैसे सुपर गर्ल, राइट? यस। ओके, बुला दें हमारे आज के दो चैंपियंस, आज के हमारे कप्तान, सुपर गर्ल कैप्टन सुपर, आइए। थकी नहीं लगती है? फ्रेश लगती है, लगता है कि और एक चैलेंज कर लेगी। कर लेगी आप? हाँ, और जुगाड़ू, कांग्रेचुलेशन। तो ये हैं हमारे दो कप्तान, जीते हो पर सेलिब्रेट नहीं कर सकते। टाइम मिला आप लोगों को, लेकिन रेस्ट नहीं कर सकते। अगले टास्क के लिए आप दोनों कैप्टन्स को अपनी अपनी टीम भी चुननी है। आई सजेस्ट टीम दिल से नहीं, दिमाग से चुनो, क्योंकि ऊपर वाले ने दिमाग को इसलिए दिल से ऊपर रखा हो, राइट? गुड। चाहिए अपने चैंपियंस विलेज में आराम कीजिए और वेट फॉर एन एक्साइटिंग टुमारो। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सी यू गाइस, सी यू गाइस। इतना ब्यूटीफुल था पूरा सेटअप जो विलेज का किया था। गार्डन में इंस्पिरेशनल वर्ड्स के बड़े बड़े ब्लॉक्स लगे हुए, पैशन, स्ट्रेंथ, फोकस, इट वाज सो इंस्पायरिंग। जैसे कॉमनवेल्थ गेम में एथलीट विलेज रहता है, वैसे हमारा था चैंपियन विलेज, और जो बहुत ही ज्यादा सुंदर था, बहुत खूबसूरत था। सब चैलेंजर्स लॉन्च एरिया में थे, हम लोग सब जनरली बात कर रहे थे। एज कैप्टन्स उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि पहले तुम अपना सजेशन बताओ कि तुम्हें किसके टीम में ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। मैं सुपर की टीम में होना चाहूंगा, वो गाइड करेगी हम सबको। गिवन अ यू नो चॉइस, आई वुड ऑलवेज लाइक टू गो विद हर, बिकॉज एक लड़की के हिसाब से उसने आज बहुत ही ज्यादा अच्छा टास्क परफॉर्म किया। मैं अर्जुन के टीम में जाना चाहूंगा। मैंने अर्जुन का नाम लिया, क्यों नहीं यार, उसने मुझे बीट करके चैलेंज को कंप्लीट किया था और मुझे लगता है वो डिजर्व करता है। सबसे पुराना कोई नहीं, अभी रूममेट तो है। मुझे सुपा की टीम में जाना है क्योंकि वो तो अभी मेरी रूममेट भी है, और एक्चुअली मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं उससे। इतनी कम एज में, मतलब इतना ट्रैक एंड फील्ड में, शी वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू खुराना सर्स टाइमिंग, तो या या आई थिंक दैट इज वेरी इंस्पिरेशनल। सो एंड मैं नई हूं इसमें, तो आई थिंक शी विल बी। एक तरीके से वो 6 और 6 में दो टीम डिवाइड हो गई थी। जैसे हम लोग हमारे लोकेशन पहुंचे, लंबा सा बीच था, पूरा वाइट सैंड। बीच पे देख रहे तो दो राफ्ट्स लगी हुई थी। वेलकम टू इंडियाज असली चैंपियन। कैसी रही कल की रात? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा रहे कल।
अच्छा वेरी नाइस सुपर अर्जुन, कैसा रहा टीम सिलेक्शन? दिमाग से किया या दिल से? दिल दिमाग दोनों से ही किया। अर्जुन दिल लगाया? नहीं सर, सिर्फ दिमाग चलाया। सिर्फ दिमाग? सिर्फ दिमाग, दिल नहीं। चलो सुपा, आपके टीम में कौन कौन आना चाहते हैं बताइए। मेरे टीम में संजय नेगी और सुनील दादा और उर्मी दीदी एंड ऐश्वर्या। और अर्जुन आपकी टीम में कौन कौन? सर मेरी टीम में फर्स्ट ऑफ ऑल सुमित, देन नीरज, चिन्मय, स्वाति और कविता। सुबह अर्जुन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी टीम चुनी है तुम लोगों ने, लेकिन ये इंडिया का असली चैंपियन है। यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। टीम चुनी जाएगी टॉस से। मैं सोचने लग गया भाई अच्छी खासी टीम बनी हुई है भाई, चलने दो परफॉर्म कर लेंगे, पहला टास्क जीतता हूँ ये भी जीत जाऊंगा। लेकिन नहीं, अन्ना को टिक चाहिए थे मिर्च मसाले। आप किसके टीम में जाना चाहती थी? अर्जुन। आप? अर्जुन। आप? सुपा। आप? सुपा सर। सर मैं अर्जुन की टीम में जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि सर दोनों को देखा जाए तो आई थिंक अर्जुन इज अ बेटर लीडर, क्योंकि एक लीडर को कम्युनिकेट करना आना चाहिए एंड सुपा एक अच्छी एथलीट है बट वो ज्यादा अच्छे कम्युनिकेट नहीं कर पाती। नीरज आपकी टीम में आना नहीं चाहिए बट टॉस जीतोगी, यू हैव द पावर टू टेक हिम। हेड्स या टेल्स? चलो सुपा बोलो। हेड्स। लेट्स गो। Tails. Arjun. Yes, sir. Chaliye, make your choice. I'll select Swati first. Swati. तुमने सबसे पहले चूज किया तो मैं खुश थी कि चलो ठीक है यार मेरा सेट हो गया है, मैं अच्छी टीम में जाने वाली हूँ क्योंकि वो कैप्टन है। सुपा। संजय नेगी। अर्जुन सेकंड चॉइस। आई विल चूज चिन्मय। उर्मी दीदी। कविता। नीरज। नीरज। I like नीरज स्माइल। देखो when स्माइल करते हो ना नीरज, देखो कैसे स्माइल करता है absolutely खुल के। नीरज बताओ कैसे लग रहा है? सर मैंने कभी उसको डाउट नहीं किया एज एन एथलीट, एज ए लीडर आई थिंक, बट हम सब सीखने को यहाँ से एक दूसरे सीख के ही जाएंगे, तो आई एम हैप्पी दैट आई एम एनर्जी। अभी आपने भरोसा नहीं दिखाया, उसने भरोसा दिखाया, यानी आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Sir, बिल्कुल। कि आप रिटर्न द फेवर। अर्जुन आई विल सिलेक्ट माय ब्रो सुमित। गुरलीन। गुरलीन। मैं सुपा की टीम में गई, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि हाँ फाइनली मैं उस जुगाड़ू की टीम में नहीं हूँ। अच्छा लग रहा था कि एक बहुत पॉजिटिव स्पोर्ट्स वुमेन के साथ हूँ मैं। अब बाकी रहा कौन? अर्जुन लास्ट ऑप्शन बचा था ऐश्वर्या, मेरे को उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेरे लिए था वो नहीं होती तब भी ठीक था, वो होती तब भी काम चल ही जाता। ऐश्वर्या। यस सर। आपको लास्ट चुना गया, व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सुपा आप लास्ट? सुनील दादा ही है। सुनील दादा। चलिए गाइस दोनों टीम बन चुकी है, अर्जुन सुबह अपने अपने टीम के साथ खड़े हो जाइए। चलिए कहीं ना कहीं थोड़ा हमें वो था कि यार ये नीरज हमारे हाथ से निकल गया, नीरज को सुपा ले गई। गाइस पहले टीम चैलेंज के लिए आप लोग रेडी हैं? यस सर। चैलेंज का नाम है समंदर में बवंडर। चलिए आपको मैं चैलेंज समझाता हूँ। दो बोट्स
आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पर, तो पहली बात आप सुनिए, पहले दो चप्पू इस बक्सों में। तो आप में से दो लोगों को उन फ्लैग्स के पीछे जाकर इन रस्सियों द्वारा चप्पुओं को और बॉक्सेस को वहां खींचना है। फ्लैग्स के पीछे पहुंचने के बाद आप बक्से खोल सकते हैं, उसके अंदर एक एक चप्पू निकाल कर आपको चप्पू के साथ आपके जो बेस्ट स्विमर्स होंगे शायद उनको लेके पानी में भेजना है। पानी में वो तैरते हुए चप्पुओं के साथ जाएंगे और अपने रिस्पेक्टिव बोट्स में एंटर करेंगे। बोट्स में एंटर करने के बाद वहां एक सिग्नल है, वहां एक फ्लैग है, जो आप फ्लैग वेव करेंगे। वो वेव होते ही ये जो टीम यहाँ के है वो अपने आप अनलॉक हो जाएंगे। अनलॉक होने के बाद आपको स्विम करके बोट्स में पहुंचना है। जब 6 के 6 जन एक बोट पर, एक राफ्ट पर पहुंच जाएंगे, तो इन ओर्स को लेते हुए आपको रो करते हुए उन बोट्स को किनारे तक लाना है। जो पहले ये कर पाएगा वो विनर होगा। तो गाइस गेट सेट गो, हर हर मारे। जो लीड लेगा ना बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। सो चिन्मय यू विल गो फर्स्ट, लेट समवन कम विद मी टू पुल बिकॉज़ दैट थिंग लुक्स स्ट्रांग एंड हेवी। आई विल कम विद यू। सुनो मेरी बात, एक टेक्निक बताता हूँ चप्पू का, मतलब इट्स वेरी इजी। चप्पू एक बार हाथ में आ गया ना तो चप्पू के लेके स्विम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। यू नो व्हाट यू डू, यू पुश इट अहेड, यू स्विम राइट 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 राइट, होल्ड द चप्पू, पुश इट अहेड, राइट स्विम। ये संजय ने की और नीरज इनसे स्टार्ट किया, क्योंकि बोट में जो जो बंदा पहुंचता जाएगा ना तुम लोग उठाओगे। कंसर्न है कि मैं वो चप्पू के साथ स्विम कैसे करूंगा। तो एक चप्पू है ना, एक चप्पू हाथ में पकड़, दिस okay only one hand, one arm stroke, okay one arm stroke and you'll be able to look also. Sorted guys, sorted ha abhi aap mentally prepare karo, hamara game sorted hai, theek hai. Main tumko swimming ke zara basics kar diye. Let's win this, let's win, we jeetna hai, jeet ke nikal. Yes, come on, are you guys ready? Yes, hard hard खींचो। मैं तो पागल जैसे होता ना, जंगली जानवर होता है कोई अपने शिकार के लिए, मैंने खींचना स्टार्ट किया फट 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 करके। नीरज और नेगी सर जिस तरह से वो खींच रहे थे, पुल कर रहे थे, हमें एक थोड़ा पैनिक क्रिएट हो रहा था धीरे धीरे। टाइमिंग्स आस पास मैच हो रही थी, लेकिन नेगी और नीरज उससे पहले ही चले गए, उस टाइम लिटरली लग गए भाई। जब तू हाथ में आया भागा मैं बीच की तरफ, बॉडी पंप हो गया था। जब हमको रियलाइज हुआ कि यार ये 5 से 6 सेकंड हमसे आगे है, अब ऐसा लगा यार अभी कुछ भी हो जाए सेकेंड हाफ जो है इसमें कवर करना ही है। में कूदे, स्विमिंग करना स्टार्ट किया। यहाँ पर सबसे पहला चैलेंज आता है, इसको कहते हैं अंडर करंट। अंडर करंट मतलब समुंदर आपको दूसरी तरफ खींच के लेके जाता है। तो भले आप इस दिशा में स्विम कर रहे हो, अगर अंडर करंट इस दिशा में तो आपको डबल एनर्जी लगाना पड़ेगा, वरना आप पानी के साथ बह जाओगे। लेफ्ट हैंड साइड पे था एंड जो अंडर करंट था वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था। चलिए चलिए उल्टा उल्टा उल्टा। तो जब मैंने वो ओर फेंका पानी में एंड आई स्टार्टेड टू स्विम टुवर्ड्स इट, वो ओर धीरे 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 राइट की तरफ जाने लगा। नीरज
पागल है क्या? After a point, I forgot about the boat. मैं वो ओर को पकड़ने के चक्कर में मैं भूल ही गया undercurrent के बारे में and instead of swimming towards my boat, मैं अपने boat से दूर दूर right hand तरफ swim करने लग गया। जैसे मैंने देखा नीरज करंट में स्ट्रगल कर रहा है मैंने सोचा कि यही चांस है कि उनकी लीड को कवर करें। मैं सबसे पहले पहुंच गया राफ्ट में और सुमित थोड़ा ही 10 मीटर कुछ दूर था। मैंने देखा सुमित और चिन्मय ऑलरेडी पहुंच के घंटा हिला चुके हैं और उनकी टीम आ रही है धड़ धड़ धड़। जैसे हमने फ्लैग को वेव किया हमारे जो चार जावास चैलेंजर्स डॉल्फिन की तरह सुप 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 करके हमारे ड्राफ्ट तक आ ही गए। दूसरी तरफ देखता हूँ नीरज वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि उसने टेक्निक गलत पकड़ी थी वो एक ही जगह पे अटक गया। बुरा भी लग रहा था लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा भी। मैं दुआ कर रहा था कि नीरज ना ही पहुंच पाए। एडवांटेज हमारे पास था कि हमारे 6 के 6 प्लेयर्स उस राफ्ट में बैठ गए थे और सामने वाली टीम के 4 मेंबर अभी भी आने बाकी थे। गाइस रो रो टुगेदर रो टुगेदर। ओनली लेफ्ट। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? Finally, with a lot of struggle, मैं अपने राफ्ट पे पहुंचा जहाँ नेगी ऑलरेडी थे एंड नेगी ने फिर फ्लैग हमारे टीम को दिखाया। Come on, keep to the left, नहीं तो राइट जाओगे। Come on, guys, छुपा। वहाँ कोऑर्डिनेशन थोड़ी कहीं ना कहीं खराब हो रही थी। कोई राइट से मार रहा है कोई लेफ्ट से मार रहा है। गाइस रो टुगेदर। और उससे क्या हुआ चक्कू सीधे जाने के बदले गोल गोल घूमने लगी। अब ये डर था कि हमारी राफ्ट कहीं घूमते घूमते कहीं दुबई ना चली जाए। अर्जुन का टीम ऑलरेडी गोल गोल घूम रहे थे तब भी मैं सबको बोला और भी जोर लगाओ यही एक लास्ट मौका है हम लोगों का ये चैलेंज जीतने का। अन्ना ने दोबारा मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करा और एज अ टीम भी मैंने वो चैलेंज जीत लिया। लग रहा था कि हाँ भाई कुछ बात है मेरे अंदर जो इन सब के अंदर नहीं है। काफी डिफिकल्ट टास्क था। एक-एक बंदे ने करा सब स्ट्रांग थे। मैं जा रहा हूं और बंदियों ने भी बंदियां नहीं तू बोल रहा था ना पूरा बुरा लग रहा है मेरे को लास्ट चॉइस किया इसको लास्ट नो बिग हग गाइस। मेरे कॉन्फिडेंस नहीं दिखाने के बावजूद सुपा ने मुझे उनके टीम में लिया एंड मैं परफॉर्म नहीं कर पाया एंड बिकॉज ऑफ मी हम वो जो टीम चैलेंज था वो हार गए। नीरज ने थोड़ा गलती कर दिया कि वो चप्पू के वजह से उसका माइंड
मुझे ऐसा लग रहा था कि उधर बोट की तरफ नहीं था, वो चप्पू ढूंढ रहे थे। तो जो भी हुआ, चलो एक गलती हो गया उसका, कुछ नहीं कर सकते इसमें। कांग्रेचुलेशंस टीम अर्जुन, फैंटास्टिक जॉब, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। कप्तानी अच्छी की आपने, टीम स्पिरिट आपकी सही थी। देखने वालों को ये लगेगा कि यार ये तो यहाँ से वहाँ की स्विम है, आसान है, लेकिन मैं जानता हूँ ये एक एस्चुरी है, ओशन वहाँ पर है, रिवर यहाँ पर है, और जब दोनों मिलते हैं तो अंडर करेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। Yes, अच्छे अच्छे स्विमर्स स्विम नहीं कर पाते। तो आई थिंक ओवरऑल यू ऑल डिड अ गुड जॉब। तो अर्जुन, आपकी टीम इस चैलेंज के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के पास पहुँच गया है, और वो है मेडल that you all are in for. मेरा सबसे पहले ये दिमाग में आया कि यार कुछ भी हो जाए, सबसे पहला मेडल मुझे मिलना चाहिए। टीम सुपा, आप लोग मेडल के दौड़ से बाहर हो चुके हैं, और ये फैक्ट है कि जीतने वाले परफॉर्म करते हैं और हारने वाले स्पेक्टेटर बनते हैं। ये जो मेडल आप लोग देख रहे हैं, ये मेडल से नहीं, पसीने, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, जज्बे से बनता है। और अगर इस शो में आप लोगों को बने रहना है तो मेडल जीतते रहना पड़ेगा, आगे बढ़ते जाना है तो ये हर बार जीतना पड़ेगा आप लोगों को। जितने मेडल उतने एडवांटेज आपको। आज तक जिंदगी में कभी मेडल नहीं मिला, और इंडिया असली चैंपियन में आके ये अपॉर्चुनिटी तेरे को मिल रही है अर्जुन। ये चीज़ चाहिए किसी भी हाल में। मुझे समझ में आया कि यार ये गेम कोई कैप्टेंसी या फिर इस चीज़ का नहीं है, ये है मेडल चैलेंज। जो मेडल जीतेगा जीतेगा वही गेम में टिका रहेगा। लेकिन ये मेडल आज आपको नहीं मिलेगा, एज ए टीम ये मेडल आपको नहीं मिलेगा। इस तक पहुंचने के लिए आप लोगों को एक और चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इस मेडल के लिए आप जानते हो आप किसके साथ कंपीट कर रहे हो? ईच अदर। एक स्पोर्ट्स कंपटीशन का विनर एक ही होता है, बाकी तो यार लूजर्स होते हैं, और उन लूजर्स में मैं नहीं रहना चाहता। I was ready. चल ठीक है, अब तक करता आया है, अब भी करूंगा, अपना 200% दूंगा, वो मेडल किसी भी हाल में लेके रहूंगा। So guys, all the best, save that energy, और कल stronger and a harder fight.